नमस्कार जनपवा सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश की सरकार के 2 साल का जश्न आज। अमित शाह जनता के सामने रखेंगे जयराम सरकार का रिपोर्ट कार्ड। अमित शाह 200 से ज्यादा निवेशकों से शिमला में करेंगे मुलाकात। रिज मैदान में होने वाले शाह के भाषण पर टिकी दुनिया की नजरें। उत्तर भारत में पहाड़ से मैदान तक ठंड का कहर। 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया दिल्ली का न्यूनतम तापमान। रघुवर को हराने वाले सरयू राय का गंभीर आरोप, बोले महत्वपूर्ण फाइलें जला रहे अधिकारी। राबड़ी ने बहू का सामान पिकअप वैन में भरकर भिजवाया घर। ऐश्वर्या के पिता ने सामान लेने से किया इनकार। सिद्धू ने पाक की यात्रा को निजी बताने के बाद भी सरकार से लिए पैसे। इमरान के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान गए थे सिद्धू। उत्तराखंड सरकार किसानों को देगी 8.5 करोड़ की भेड़े। ऊन का कारोबार बढ़ाने के लिए सीएम ने लिया फैसला। प्याज की बढ़ती कीमतों को रोकने में सरकार को लगा झटका। महाराष्ट्र में बारिश और तुर्की की रोक से बढ़ेगा प्याज का संकट। छत्तीसगढ़ सीएम के न्योते पर आज रायपुर पहुंचेंगे राहुल गांधी। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर आज जाएंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ लखनऊ में करेंगी बैठक। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी पर जगन कैबिनेट में लगेगी मुहर। सीएम जगन मोहन रेड्डी आज कैबिनेट बैठक में कर सकते हैं ऐलान। जुमे की नमाज के चलते पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट। दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में सीए के खिलाफ प्रदर्शनों को लेकर उठाया कदम। यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल हिंसा पीड़ितों से मिलने पहुंचे बिजनौर। मुस्लिम को छोड़कर बाकी के घर जाकर की मुलाकात। मध्य प्रदेश में सिंधिया को हराने वाले भाजपा सांसद केपी यादव को राहत। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक। करगिल युद्ध का हीरो रहा MiG-27, आज होगा रिटायर। सेना के 7 मिग लड़ाकू विमान भी भरेंगे आखिरी उड़ान। सीए को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगी भाजपा। मध्य प्रदेश में 15 जनवरी तक लोगों को करेगी जागरूक। सीए और एनआरसी को लेकर भाजपा का बड़ा अभियान। 30 दिसंबर को करेगी 1 करोड़ ट्वीट, जनता के सामने रखेगी बात। एनपीआर पर माकपा नेता प्रकाश करात ने कसा तंज, बोले 10 राज्यों का विरोध और चाहिए फिर खत्म हो जाएगी योजना। जेडीयू ने फिर भाजपा आला कमान के रवैये पर उठाए सवाल। केसी त्यागी बोले संवादहीनता खत्म करना जरूरी। नागरिकता कानून पर योगी की राह पर येदुरप्पा सरकार, अब प्रदर्शनकारियों से वसूला जाएगा नुकसान का पैसा। भाजपा का कार्यकाल बढ़ाने पर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची पाक सरकार। इमरान सरकार ने निर्णय का पुनरीक्षण करने की लगाई गुहार। रवीना टंडन, भारती सिंह और फराह खान की बढ़ सकती है मुश्किलें। केस दर्ज होने के बाद लैब में वीडियो की जांच हुई शुरू। एमसीडी कर्मचारियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना, बोले दिवाली से अब तक कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी। भद्रपुर विधानसभा के लोगों ने नोटा दबाने का किया ऐलान। कॉलोनियों को ओजोन में डाले जाने से नाराज है लोग। DRI के योगदान को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण ने जारी किया डाक टिकट, बोली राजस्व खुफिया निदेशालय के योगदान को भुला नहीं सकता देश। बर्फबारी के बीच कश्मीर में फिल्में बनाने का माहौल तैयार, राज्यपाल के सलाहकार ने फिल्म निर्माताओं को दिया न्योता। CAA डिटेंशन सेंटर पर अजय माकन ने लगाया आरोप, बोले हमारी सरकार ने वाजपेयी सरकार के फैसले को रोका। पाकिस्तानी टिड्डियों से निपटने के लिए केंद्र ने गुजरात रवाना किए 11 दल, राजस्थान में भी फसलों का हाल बेहाल। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायण सामी ने राष्ट्रपति से की मांग, बोले किरण बेदी को वापस बुलाए सरकार। गुजरात कैडर के पूर्व IAS अधिकारी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, मेट्रो लिंक प्रोजेक्ट घोटाले के मामले में जब्त की 36 करोड़ की संपत्ति। 40 महिलाओं के संगठनों को मिलेगा नारी शक्ति पुरस्कार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिया 7 जनवरी तक आवेदन का मौका। आंध्र प्रदेश में TDP सांसद और विधायक किए गए नजरबंद, चंद्रबाबू नायडू बोले तानाशाही की कीमत चुकाएंगे जगनमोहन। युद्ध के मैदान में बिजली के लिए परेशान नहीं होंगे अमेरिका सेना के जवान, पैदल चलने के दौरान जवानों के बूट से बनेगी बिजली। IIT दिल्ली ने इस साल कराए 150 से ज्यादा पेटेंट, 4 गुना बड़ी संस्थान किया है। CAA NRC के खिलाफ लेफ्ट पार्टियों ने किया ऐलान, 7 दिन तक करेंगे विरोध प्रदर्शन, 8 जनवरी से कार्यकर्ता करेंगे हड़ताल। CAA को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे गोवा, प्रदेशवासियों को देंगे कानून से संबंधित सभी तरह की जानकारी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को PM मोदी ने भेजा जयपुर, राजस्थान के लोगों को CAA के बारे में करेंगे जागरूक। भारत के खौफ से बौखलाए पाक PM इमरान खान ने दी धमकी, बोले अगर युद्ध हुआ तो हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार। गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ में खोली NIA की नई ब्रांच, पाक से आने वाले ड्रोन पर खुफिया एजेंसी रखेगी नजर। CAA के खिलाफ प्रदर्शन करने पर संविदा टीचर की गई नौकरी, असम में जोरहाट के नवोदय विद्यालय में तैनात थी महिला टीचर। दिल्ली के शाहीन बाग में CAA के खिलाफ प्रदर्शन, नोएडा से जा रहे वाहनों के बदले गए रूट, गाजियाबाद में स्कूल भी बंद। शानदार होगा हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं के आने की चर्चा। दिल्ली में 2020 की चुनाव तैयारियों से संतुष्ट दिखा आयोग, मतदान और मतगणना की तारीखों का कभी भी हो सकता है ऐलान। दिल्ली चुनाव
चुनाव के लिए संगठनात्मक काम में जुटी कांग्रेस। प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस ने गठित की स्क्रीनिंग कमेटी। 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना दिवस पर असम में पार्टी करेगी रैली। पूर्वोत्तर राज्यों को संदेश देने के लिए संबोधित करेंगे राहुल गांधी। एयर इंडिया ने उधार खाता वाले बैनरों पर लगाई रोक। बकाया पैसा चुकाने के बाद भी बुक कर सकेंगे टिकट। गिरिराज सिंह ने फिर दिया विवादित बयान। राहुल को कहा झूठ और ओवैसी को बताया आस्तीन का सांप। शोएब अख्तर के खुलासे के बाद भाजपा ने कांग्रेस को घेरा। पूछा दानिश कनेरिया के साथ हुआ भेदभाव, क्या आप भी करेंगे विरोध। गांगुली और द्रविड़ की बीसीसीआई मुख्यालय में आज होगी मुलाकात। चोटिल खिलाड़ियों के इंजरी मैनेजमेंट पर होगी बात। शिखर धवन के शतक के बाद ईशांत शर्मा की घातक गेंदबाजी। हैदराबाद के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में दिल्ली की स्थिति मजबूत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।